हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग आज के सबसे स्टार्ट भी होगा सुबह सुबह उठ के नहा लिया, फ्रेश हो गया। पहले सबसे पहले आज को यही सोचते हैं, सबसे पहले उठ के सुबह फ्रेश होना है और फिर जो करना सारा कुछ करना है। थोड़ी देर धूप लगवाऊंगा, बस मॉल सेट हो जाएगा और बस बाल थोड़े सूख जाए। मैक्सिमम आधा से पौना घंटा लगता है और बंदा फ्रेश होकर नहा धो के सूख भी जाता है धूप में बैठ के। इसलिए रेगुलर अब ये करना है क्योंकि बंदा फ्रेश है, सुबह सुबह हो जाता है तो सबकी रूटीन अच्छी देती है दिन पूरा। फ्रेश हो गया हूँ अभी, मम्मी आएंगे तो खाना नाश्ता करेंगे, बाकी पहले मैं जाकर अपना मिल्क शेक बनाता हूँ और आपको पता मिल्क शेक में क्या क्या डालता है। बाकी वेलकम बैक टू आप ब्रांड न्यू ब्लॉग, सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करो और करते हैं लोग और आपको बताते हैं आपका बाइक राइड। भाई आपको दिखाता है मिल्क शेक है, मैंने जूसर ले लिया है और ये दूध है, ये दूध है साथ। ये मलाई में रोज निकालता हूँ दूध से, थोड़ा बाद मक्खन बना लेंगे अपनी डाइट के लिए। ये दूध है, अभी ये दूध हम डालते हैं सारा। ये किधर गया हाथ चाहो दुलना डुलना जावी, ये भी दूध, ये दूध चला गया। ये कप ग्लास दूध है जी। बाकी अभी ये दो खजूरें होती हैं मेरी ताकि हेल्दी के लिए अच्छी होती हैं। बाकी एक केला एक मतलब मैं इसको छील लूँ फिर आपको दिखा। डाल दिया पूरा, ये किसमें चला गया। बाकी ये शहद है, ये इस मोबाइल में इसमें पकड़ना है साथ में। बाकी ये थोड़ा दलिया होता है जो का मैं आपको दिखाता हूँ, ये दलिया है, ये जो वाला दलिया, ये थोड़ा हल्दी काफ़ी होता है, ये डालता हूँ थोड़ा एक चम्मच बड़ी वाली के तकरीबन, बस एक बड़ी चम्मच के तकरीबन करीब हो गया। बाकी शहद डाल के मैं शेक कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसा बनता है। आप देख सकते हो ये फुल फिर आपको दिखाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, मामा आय है, है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसको डालते हैं ग्लास में, क्या वी आई पी, थोड़ा सा अभी नीचे पड़ा हुआ है, पहले ये पी ले फिर आपको बताते हैं कैसा बना है। ये पीते हैं अभी, ये उठा लिया जी। ये काम जैसा हो जाता है, बाकी जब साठ भी कर दो फिर आपसे मिलते हैं, गप लगाते हैं बाहर जाके। तो भाई क्या था जो पाल अपना दर्शन करा लिया न्याज सर के पास, इंशाल्लाह आप कल से न्याज सर क्लब में जाएंगे, मैं मेरा दोस्त है दोनों हम जाएंगे और जब सर शेयर करने वीडियो भी आपको पता है। अरे तो आपसे अभी सर जा रहे ठंडे में, मैंने फिर घर बता दो क्या सीखने कहने, अभी न्याज सर के पास इंशाल्लाह आप कल से जाना है और आप तब तक भाई को सपोर्ट कर लगे खाओ इंशाल्लाह। फिर आप कुछ थोड़े साल अभी देखते हैं खाने में क्या बना है, सुबह को मैंने अपनी डाइट में शेयर करवाया कैसे बढ़ता है, बाकी देखना सर छत पर चलता देखना थोड़े देर क्या सीन है फिर आप जाते हैं। आपका भाई कार बैठा और देख रहा है सीन, अभी असर के नमाज शर्ट पढ़ जाए, अभी उसका टाइम हो जाएगा मगर की नमाज खत्म हो जाएगी, नमाज पढ़ जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा, बस दो घंटा डेट रहेगा मैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर गप शप लगाता है, फिर पी एस एल लाहौर के अंदर कराची का मैच है इंशाल्लाह। आज तो लाहौर जीतेगा, चार मैचों से पहला मैच तो आज जीत जाओ लो रही हो, चार में से एक कर दो चार जीरो ना करना और इंशाल्लाह अगर आज जीते तो फिर बूढ़ी हो जाएगा फिर इंशाल्लाह सारे जीतेंगे। बाकी इंशाल्लाह लाहौर को सपोर्ट करेंगे आप दम तक जो मर्जी हो जाए, बाकी दूसरे नाम बताते हैं आप वेट करो मैच छाड़ते हैं फिर आपसे बताते हैं। टॉस हो गया है कराची और लाहौर का, अभी मैच लग गया है, अभी मैच स्टार्ट हो गया कराची और वर्सेस लाहौर का, लाहौर टॉस हार गया लेकिन मैच जीतेगा हमारा शाहिन अफरीदी और जानदार खान, आज फिर मैच खेलता है उसको भी एक मैच भी रेस्ट निकलाया आज, चाहे होप चेंज और एहसन भट्टी अपना दोबारा मैच खेलेंगे इस सीजन का, तो देखते हैं आज टीम तगड़ी है और इंशाल्लाह ये टीम जीत जाएगी तो आगे ये चलेगा फिर सेम हमारा स्क्वाड। आज हमारा मैच जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि तीन मैच हम हार चुके लगातार, चौथा हमने जीतना है और फिर आगे हमने साथ जीतना है और हमने क्वालिफाई कर देना सेमीफाइनल के लिए। बाकी जो इस नाम को बताते हैं थोड़ी देर तक, तीन आउट हो गए लाहौर के अभी तक और 57-58 रन है और नौवां ओवर है, दसवां ओवर अभी, इसके बाद दसवां ओवर होगा क्योंकि पिच बड़ी लो स्टम नज़र आ रही है, हो सकता है पिच भी थोड़ा तेज़ हो जाए लेकिन हमारी स्पोर्ट लाहौर को रहेगी फिर भी वो जीते जा रहे हैं। पहले नंबर पर लाहौर, दूसरे पर पेशावर, पेशावर और लाहौर के अलावा पूरे पी एस एल में कोई टीम नहीं पसंद क्योंकि बाकी टीमें छोटी अजीब सी हैं, लाहौर और पी एस पेशावर अली पास, बाकी भी देखते हैं जो सीना के साथ शेयर करते हैं। अभी खाना बनाओ, खाना खाते पहले दाल चावल बने हैं, दाल चावल खाने के बाद फिर देखेंगे गप से गप लगाएंगे। अभी पूरा मैच पड़ा, अभी एक इनिंग पड़ी पूरा दिखा देखेंगे तो क्या आप मुल्तान सुल्तान की तरह जो कल मैच हुआ है वो सीन हो जाए। बाकी देखते हैं जो सीना शेयर करते हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करो तब तक और तब तक हम इंजॉय करते हैं मैच को। अभी बहुत अच्छा लाहौर सब ज़्यादा फरहान ने जो इनिंग अपनी बिल्ड की हुई है
स्क्रीनिंग ने बड़ा अच्छा मारा है, लिंडा भी साथ है, थोड़ा बहुत अभी तक खेल रहा है, 165 बना लिया है। स्टार्टिंग में तो ये 110 120 लगा था जब ये खेल रहे थे। बाकी अभी देखते हैं जो सीन ये बॉल अभी कराएगा, देखते हैं। ये सिंगल ले 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 यार, सिंगल ले लेता ये, कोई नहीं। 6 रन 8 रन अभी तक मार चुके हैं, 2 बॉल रहती है, अगर 2 बॉलों पे छक्का लग जाता है तो 170 प्लस टारगेट हम दे देंगे, वो इस पिच पे काफी अच्छा टारगेट होगा। बाकी अब सेकंड इनिंग में आपसे मिलेंगे, अभी तक तो 165 रन है, 19/4 बॉलें, और अभी सेकंड इनिंग में आपसे मिलकर बताते हैं क्या सीन है। शाहिन अफरीदी अंदर बैठा हुआ है, बॉलिंग भी अच्छी करेगा इंशाल्लाह आज, और आज रोफी भी अपना कम बैक करेगा, अपना बैट पैच खत्म करेगा। बाकी देखते हैं जो सीन है, एक और बॉल देख लेते हैं। चलो ये बॉल, ये भी मेरा नज़र को कुछ नहीं आ रहा, ये ओ हो वाह सेक्स, मैंने तो अभी क्या कहा था कि एक और छक्का अभी लास्ट बोल रहे थे, देखते हैं सीन है। सेकंड इनिंग में मिलते हैं आपको। लोरियों के 2 आउट कर चुके हैं लोअर वाले, अभी तक स्कोर जो है वो 23-24 है, और 2 विकेट कराची कम निकाल चुका है, 4th ओवर चल रहा है, और इंशाल्लाह अभी लोअर आज जीतेगा, और आज जीत के अपना रिकॉर्ड दोबारा स्टार्ट करेगा जीतने का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तक मैच 2 विकेट एक बट्टे एसन बट्टी ने लिया है, और दूसरी रन आउट किया है सबसे ज़्यादा फरहान ने। बाकी देखते जो सीन आपके साथ शेयर करते हैं, आप तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आप बताओ आप किस टीम को सपोर्ट करते हो। बाकी जो सीन आपको बताते हैं, आखिरी बॉल और शुएब मलिक अभी बैटिंग पे, देखते हैं क्या करते हैं जानदाद भाई। जानदाद भाई की माशाल्लाह डेब्यू विकेट आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन जानदाद भाई ऑन योर डेब्यू विकेट, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ विकेट यार, वेल प्लेड, वेल बॉल। और लास्ट बॉल देखते हैं जानदाद भाई क्या करते हैं। ओ अच्छी बॉल थी, शुएब मलिक ने अच्छा सिंगल के लिए किया। ये फील्ड है सब, सिकंदर रजे की फील्ड बहुत आला यार, शाबा 7 रन 1 ओवर 1 विकेट, वेल प्लेड, डेब्यू विकेट हो गया जानदाद भाई की। बाकी जो सीन आपको बताते हैं, इसके बाद थोड़ी सी गपशप लगाऊंगा और फिर व्लॉग एंड करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे व्लॉग होते हैं और आप देखते हैं पूरा हो नहीं। आज का व्लॉग यहीं शुरू एंड करते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है व्लॉग तो बाद में आना है, मैच कब कब देख चुके हो साथ लोग, मैं चलो व्लॉग एंड कर लेते हैं, वॉचेस बंद करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आज का मैच इंशाल्लाह इंशाल्लाह और जीत जाएगा, अगर ना जीता तब भी कमेंट कर देना, आप तो लोग बात करते होंगे, अगर जीत गया तब भी बता देना, वो तो मैं पता है मैं लाहौर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और पिशावर का, 2 टीमें हैं जिनको मैं बराबर रखता हूँ, जो मेरे लव हैं वो लाहौर और पिशावर है, बाकी टीमों को मैं देखता भी नहीं हूँ, वो है सारी पाकिस्तानी, लेकिन इनमें तो अपना प्यार रहना, एक में किंग बैठा हुआ दुनिया का और एक में पूरी टीम किंग बैठी है। बाकी देखते हैं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक दुआ में रहना, भाई को सपोर्ट करते रहना, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, लव यू, बाय बाय, take care. Cool.